मनीष तिवारी ने एक प्रेस वार्ता में आनंदपुर साहिब नैना देवी की सड़क की दुर्दशा पर भाजपा के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पर बयान दिया था कि पहले उन्होंने आनंदपुर साहिब नैना देवी की सड़क का नीम पत्थर रखा था तथा अब वो इसे बनाने के लिए मुकर गए। सांसद मनीष तिवारी के इस बयान की भाजपा नेता रणधीर शर्मा ने कड़े शब्दों में निंदा की है तथा कहा कि तिवारी पंजाब की सड़कों की चिंता करें। नैना देवी में मनीष तिवारी ने एक प्रेस वार्ता में आनंदपुर साहिब नैना देवी की सड़क की दुर्दशा पर भाजपा के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पर बयान दिया था कि पहले उन्होंने आनंदपुर से ही नैना देवी की सड़क का नींव पत्थर रखा था तथा अब वो इसे बनाने के लिए मुकर गए हैं। सांसद मनीष तिवारी के इस बयान की भाजपा नेता रणधीर शर्मा ने कड़े शब्दों में निंदा की है तथा कहा कि तिवारी पंजाब की सड़कों की चिंता करें। इस बयान के पलटवार में भाजपा नेता रणधीर शर्मा ने कहा कि वो निराधार बातें कर रहे हैं, ऐसा कभी भी नितिन गडकरी कर नहीं सकते, वो देश के सफलतम परिवहन मंत्री रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में देश की सड़कों की दुर्दशा सुधरी है, फोर लेन का निर्माण, राष्ट्रीय उच्च मार्गों का निर्माण तथा देश में जो फ्लाई ओवर बने हैं इनको गडकरी ने न केवल बढ़ावा दिया बल्कि फ्लाई ओवर बनाने राष्ट्र निर्माण बनाने में हालात बहुत ज्यादा सुधारे हैं। उन्होंने कहा कि इसका सारा श्रेय नितिन गडकरी को जाता है तथा उनके बारे में ऐसा बयान देना मनीष तिवारी अपने कांग्रेस सरकार की कमियों को दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मनीष तिवारी हिमाचल की चिंता छोड़ें तथा पंजाब की सड़कों की मरम्मत के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को कहें। उन्होंने कहा कि पंजाब की सड़कों की हालत बद से बदतर है तथा इसकी सारी जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार की है जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह विराजमान है। शर्मा ने मनीष तिवारी से कहा कि आनंदपुर साहिब से नैना देवी की सड़क की हालत खस्ता है, अतः वो कैप्टन के पास जाकर सड़कों में पड़े गड्ढे को भराएं तथा बदहाल हुई सड़कों की हालत पर ध्यान दें। तिवारी जी निराधार बातें कर रहे हैं, ऐसा कभी नितिन गडकरी जी कर नहीं सकते, वो देश के सफलतम परिवहन एवं राष्ट्रीय उच्च मार्ग मंत्री रहे हैं। उनके समय में देश में सड़कों की दशा सुधरी, फोर लेन निर्माण, राष्ट्रीय उच्च मार्ग का निर्माण और जो हमारे ये फ्लाईओवर हैं इनके निर्माण कार्यों को नितिन गडकरी ने इस देश में बढ़ावा ही नहीं दिया, बल्कि मैं कहता हूँ आज देश में जितने फोर लेन राष्ट्रीय उच्च मार्ग और फ्लाईओवर बने हैं उनका श्रेय अगर किसी को जाता है तो आदरणीय नितिन गडकरी को जाता है। इसलिए उनके बारे में इस तरह के आरोप लगाना सत्य से परे है, अपनी कमियों को छिपाने का प्रयास है जो मनीष तिवारी जी कर रहे हैं। मेरा उनसे कहना है कि वो हिमाचल की चिंता छोड़े, वो पंजाब के अंदर जो सड़कें बनी हैं उनकी मरम्मत कैप्टन अमरिंदर सिंह जी मुख्यमंत्री पंजाब से करवाएं, क्योंकि जो हालत सड़कों की हम देखते हैं बहुत खस्ता हालत है। आप आनंदपुर साहब से श्री नैना देवी जी सड़क की बात करते हैं, जो पंजाब पोर्शन है उसमें जो सड़क की दुर्दशा है उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पंजाब में सड़कों की क्या हालत होगी। इसलिए मेरा मनीष तिवारी जी से कहना है कि वो कैप्टन मुख्यमंत्री से पंजाब की सड़कों के गड्ढे भरवाएं, उनकी मरम्मत करवाएं, यही उनका कंट्रीब्यूशन अपने संसदीय क्षेत्र और अपने पंजाब प्रदेश के लिए होगा।